हे गाइस वेलकम टू जेड फैक्ट्स। आज मैं फिर से आया हूँ आपके लिए एक और थ्रिलिंग वीडियो के साथ। सो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पे एक बहुत ही फेमस स्टोरी के बारे में, जिसको कहते हैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है, पर अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये पता लगे कि ये एक्सपेरिमेंट क्या सच में हुआ था। हाउएवर वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे ह्यूमन एंड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो ये एक्सपेरिमेंट शायद सच भी हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या खौफनाक चीज़ें हुई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट 1940s में रशियन रिसर्चर्स ने 5 लोगों को 15 दिन तक जगा के रखा एक एक्सपेरिमेंटल गैस स्टिमुलेंट की हेल्प से। उन 5 को एक सील चेंबर में डाल दिया गया और उस चेंबर में कॉन्टीन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई चालू थी। सिंस उस टाइम कैमराज इन्वेंट नहीं हुए थे, इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए उस चेंबर में कुछ ग्लास के होल्स और आवाज़ के लिए माइक्रोफोन्स फिट कर दिए गए। इसके साथ साथ उन प्रिजनर्स के लिए बेडिंग, रनिंग वाटर, कुछ बुक्स, टॉयलेट और 1 महीने का ड्राइड खाना भी प्रोवाइड किया गया। ये 5 टेस्ट सब्जेक्ट एक्चुअल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन्हें एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। इन प्रिजनर्स से ये वादा किया गया था कि अगर वो 30 दिनों तक बिना सोए रह सकते हैं तो उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। पहले 5 दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उन प्रिजनर्स की कॉन्वर्जेशन ज़्यादा इमोशनल होती जा रही थी और उन सब ने अपने डार्क थाट्स रिवील करने शुरू कर दिए। डे 6 को अचानक से सब कुछ बदल गया। उन 5 ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और एक दूसरे को उनकी इस हालत के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बारी बारी माइक्रोफोन्स पर विस्पर करना भी शुरू कर दिया। 9वें दिन पर एक प्रिजनर खड़ा हुआ और चेंबर में अपनी पूरी जान से चिल्लाते हुए आगे पीछे भागने लगा। वह 3 घंटों तक चिल्ला रहा था और उसने अपने वोकल कॉर्ड्स परमानेंटली डैमेज कर लिए। बाकी 4 प्रिजनर्स ने इस प्रिजनर पर ज़रा सा भी रिएक्ट नहीं किया, पर उनमें से 2 को ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि वह उन बुक्स के पेजेस को कॉन्टीन्यूसली फाड़ रहे थे और अपने मल से उन पेजेस को उन होल्स पे चिपका दिया। डे 15 तक साइंटिस्ट अंदर का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। चिल्लाने की आवाज़ बंद हो चुकी थी और सब कुछ शांत था। सिर्फ ऑक्सीजन मॉनिटर को देखकर पता लग रहा था कि वो सब अंदर जिंदा हैं। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि वह 5 बेहोश हो चुके हैं। सो एट मिडनाइट साइंटिस्ट ने उस चेंबर को खोलने का डिसीजन लिया, पर उस दरवाजे को खोलने से पहले उन्होंने माइक्रोफोन्स के थ्रू अंदर ये मैसेज भेजा, दरवाजे से दूर होकर ज़मीन पर लेट जाओ नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी और अगर तुमने हमारा आदेश माना तो हम तुम में से एक को आज़ादी दे देंगे। बहुत देर की खामोशी के बाद अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आई, अब हम आज़ाद होना नहीं चाहते। साइंटिस्ट ने जैसे ही उस चेंबर में एंटर किया तो सबके होशो आवाज़ उड़ गए। उन्होंने देखा कि जो खाना उन प्रिजनर्स के लिए था वो वैसे ही पड़ा हुआ है और प्रिजनर्स के मुंह से खून टपक रहा था और आसपास मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि उनके फिंगर टिप्स के अंदर की हड्डियां दिखाई दे रही थी। ये देखा जा सकता था कि उन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत गहरे जख्म कर लिए हैं और वो भी सिर्फ अपने हाथों से, बेशक वो अपने आप को खा रहे थे। 2 प्रिजनर्स के जख्म तो इतने सेवियर थे कि रिब केज की हड्डियाँ और अंदर के वर्किंग ऑर्गन्स भी दिखाई दे रहे थे। वो सारे शांत बैठे हुए थे और जैसे ही साइंटिस्ट ने वो गैस ऑफ की, वो 5 प्रिजनर्स जोर से हाई पिच्ड वॉइस में चीखे और गार्ड्स और साइंटिस्ट पे अटैक कर दिया। वो प्रिजनर्स बहुत ज़्यादा पावर के साथ आए और स्ट्रेंजली उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा था। बहुत स्ट्रगल के बाद 2 प्रिजनर्स और 5 गार्ड्स मारे जा चुके थे उन प्रिजनर्स को बेहोश करने की कोशिश में। स्ट्रेंजली उनकी बॉडी एनेस्थीजिया को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर रही थी। ऐसी डोज जो 3 नॉर्मल लोगों को घंटों तक बेहोश कर सकती है, उतनी डोज भी उन प्रिजनर्स पे ज़रा सा भी असर नहीं कर रही थी। फाइनली बचे हुए 3 प्रिजनर्स को रोप से बांध दिया गया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और जागे रहने के लिए भीख मांग रहे थे। उन्होंने ज़िद की कि उनके ज़मीन पर गिरे हुए ऑर्गन्स को सर्जिकल प्रोसीजर से वापस लगाया जाए बिना किसी एनेस्थीजिया या पेन किलर के। दे वर क्रेविंग फॉर पेन। पहले प्रिजनर की ऑपरेटिंग टेबल पे ही मौत हो गई ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस। ये पता लगा कि उसकी बॉडी में लगभग 9 हड्डियां टूट चुकी थी। दूसरा प्रिजनर जिसने अपनी वोकल कॉर्ड्स को 6th डे पे डैमेज कर लिया था, ऑपरेटिंग टेबल पर सर्जरी के दौरान सेटिस्फाइंगली मुस्कुरा रहा था।
जब सर्जरी खत्म हुई तो वो इरिटेट होने लगा और उसने पेपर पे लिख कर दिया कि सर्जन को और उसका फ्लैश कट करते रहना चाहिए। थर्ड प्रिजनर एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा था कि मुझे जागते रहना है। ऑल्दो साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी आफत बन चुकी थी, पर फिर भी फर्दर स्टडीज़ के लिए वो दोनों इंटरेस्टिंग थे, इसीलिए उन दोनों को वापस उस चेम्बर में भेज दिया गया और गैस से एक और बार एक्सपोज करा गया। उन दोनों में से एक प्रिजनर वहीं बेहोश हुआ और मर गया। दूसरे ने अपने आप को गार्ड से छुड़वाया और एक गार्ड से गन छीनकर दो साइंटिस्ट के हेड में गोली मार दी। उसको सबने मिलकर ओवरपावर किया और एक साइंटिस्ट ने उसकी तरफ गन की और पूछा, व्हाट आर यू? जिसका उसने जवाब दिया, हैव यू फॉरगॉटन सो ईजली, वी आर यू, वी आर द मैडनेस दैट लर्क्स विद इन यू, ऑल बेगिंग टू बी फ्री एट एवरी मोमेंट। In your deepest animal mind, we are what you hide from in your beds every night. उस साइंटिस्ट के होश उड़ गए और उसने दो कदम पीछे लिए और उसे गोली मार दी। वो प्रिजनर जमीन पर गिरा और उसने अपने लास्ट वर्ड्स बोले, so nearly free. So ये था गाइस द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। मैं आपके ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा इस स्टोरी पर। आपको क्या लगता है, ये स्टोरी सच है या झूठ? Do tell me in the comment box. And अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो and do subscribe to my channel for more amazing content. And lastly, thank you guys for watching. My name is Zed and I'm signing out.